नमस्ते दोस्तों, अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं उसे कहते हैं प्रभु श्री राम की कर्मभूमि पंचवटी। ये वही जगह है जहाँ पे वाल्मीकि ऋषि मुनि को रामायण लिखने का सोचा था। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं उसे कहते हैं विक्टोरिया ब्रिज, और इस विक्टोरिया ब्रिज से सारे पंचवटी के मंदिरों का दर्शन इकट्ठा हो जाता है, और उसके साथ साथ माँ गोदावरी भी यहाँ पर प्रवाहित है। कहा जाता है कि गोदावरी माँ में शक्ति जो कल की वो आज भी स्थित है, इसलिए कभी प्रभु श्री राम ने अपने पिता का श्राद्ध और हस्तियाँ यहाँ बहाई थी। कहा जाता है जब यहाँ पे कुंभ का मेला होता है तब यहाँ पे हजारों देवी देवता यहाँ पे वास करती है। कहा जाता है रामायण के मुताबिक जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट के गोदावरी के दूसरे तट पे फेंक दिया था, तभी उसी जगह का नाम नासिक पड़ा है और गोदावरी के दूसरे तट का नाम पंचवटी ऐसे गिरा है। घाट पे खड़े हैं उसको राम घाट कहते हैं। कहा जाता है कि कभी यहाँ पे प्रभु श्री राम स्नान किया करते थे, और कहा जाता है कि इसी घाट पे उन्होंने अपने पिता की हस्तियाँ और श्राद्ध किया था। इसलिए हिंदू धर्म के मुताबिक कहा जाता है कि अगर जो अपने जन्म देने वाले पितृ या माता पिता होता है उनके अगर हस्तियाँ हम लोग ने यहाँ पे बहाई तो माँ गोदावरी के आशीर्वाद से उनको स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है शिव पुराण के मुताबिक जब भगवान शंकर को क्रोध आया था तो उन्होंने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के पांचवा सर अपने त्रिशूल से संरक्षित किया था, तभी उन्हें ब्रह्मा हत्या का श्राप लगा था। तो उसी ब्रह्मा हत्या से बचने के लिए उन्होंने बहुत सारी जगह पे घूमे, बहुत सारी तपस्या करी, बट उन्होंने कुछ हुआ नहीं। तभी भगवान शंकर ने नंदी के मुँह से सुना था कि अगर भगवान शंकर गोदावरी माँ में जाके स्नान करे तो वो ब्रह्मा हत्या से मुक्त हो सकते हैं, और उन्होंने वैसे किया और वो मुक्त हो गए। तभी इस जगह पे मतलब इस मंदिर में नंदी नहीं है, विदाउट नंदी ये मंदिर है। कहा जाता है कि भारत में ऐसा ही एकमेव मंदिर है जहाँ पे नंदी स्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकर ने उन्होंने अपना गण नहीं अपना गुरु माना है। दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं कपालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, कहा जाता है जब रावण ने सीता माँ का छल कपट से अपहरण करना चाहा, तभी उसने अपने भाई के साथ 14,000 राक्षसों का सेना भेजी थी, तो उन्हें मारते मारते प्रभु श्री राम का मुंह मृत्यु के लोक काल की तरह हुआ था, इसलिए उनका नाम यहाँ पे कालाराम है। ये वही कालाराम मंदिर है जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता काल में दलितों के लिए इस मंदिर के दरवाजे ओपन करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था।
दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पे ये बरगर के मतलब वटवृक्ष के 5 वृक्ष है और उसके वटवृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम ने अपने पर्णकुटी बनाई थी। जाता है जब रावण ने छल कपट से सीता मैया का हरण किया था तभी श्री प्रभु राम ने उन्होंने इसी गुफा के अंदर छिपाया था। कहा जाता है कि रावण के साथ सीता मैया की सिर्फ परछाई गई थी। जाता है प्रभु श्री राम जी के साथ साथ ये लक्ष्मण जी की और सीता मैया की भी कर्मभूमि है। पद्म पुराण के मुताबिक कहा जाता है कि जब शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण ने ही काटा था।